यहाँ में इसका साउंड सिस्टम है, इसका रूम है और यहाँ में मिरर है, हम खुद को देख सकते हैं जो कि हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हम कुछ काम के कारण बिजी होने की वजह से हम ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आप सभी को सॉरी तहे दिल से। तो आज मैं जा रहा हूँ इंडिया से बाहर, कहीं दूर इंडिया से बाहर अलग कंट्री एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग गेस करो कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे साथ कौन है और किसके साथ जा रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आओ हंजिंग भाई, ऊपर हाई कर दो। हाय, इसके साथ जा रहे हैं ये, इसका नाम हॉन्चिंग है, ये लॉन्गडिंग में हम लोग के साथ बैठता है। तो मैं इसका जरिए जा रहा हूँ इसका बस्ती। तो फर्स्ट इसका बस्ती जाएगा, इसका बस्ती का नाम क्या था? चियो। चियो बोलते हैं, चियो ना शायद, वो इंडिया और म्यांमार के बीच में है ये लोग का बस्ती। तो हम लोग उधर जाके देखेगा, तो म्यांमार घुसने के लिए अलाउ करता है तो हम दोनों घुसने के लिए कोशिश करेगा। तो आज हम दोनों लॉन्गडिंग से निकल रहे हैं अभी, शायद बस 12 बजे समथिंग जाएगा बोले। तो बस मिलेगा कि नहीं देखते हैं, आज नहीं मिलने से भी कल जाएगा हम दोनों। तो आपको आगे आगे देखते रहो, स्किप ना करें, एंड तक जरूर से बने रहिए। तो अभी हम लोग बस में उठ गया, देख सकते हैं मेरे पीछे में और आगे में भी इतने सारे लोग हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकलेगा और वहाँ में कितना बजे पहुँचेगा वो तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पहुँच के मिलते हैं। तो अभी हम लोग तीसा पहुँच गया, तीसा पे जो नमाना था वो लोग नामने के लिए रोक रहे हैं अभी। मार्केट आज का वेदर भी इतना खास तो नहीं है, तो अभी हम यहाँ में थोड़ा रुकने के बाद फिर निकलेगा। तो हम लोग अभी यहाँ में रोक रहे हैं, उसके बाद सीधा चला जाएगा, जाके चौप खानों तक जाएगा। चौप खानों से ही हम लोगों को पैदल मारना पड़ेगा। हम लोग का बस यही रहा हम लोग जाने वाला, ये खानों तक जाएगा बोला है, खानों से हम लोग को पैदल मारना पड़ेगा। अभी बस में एंट्री करेगा, साइड कीजिए रे। मेरा साथ वाला लड़का यहाँ में, हम दोनों का सीट ये है 16-17 बुक किया था। बस कुछ इस तरह है अंदर का खिड़की, हम दोनों विंडो साइड पकड़ रहे हैं, विंडो साइड से नज़ारा देख के घूमने के लिए। आज मौसम भी खास नहीं है। तो अभी बस भी चलने वाला है, तो आपको मेरे साथ चलते रहिए आप लोग भी। सो गाइस, तो अभी हम लोग अपना मंजिल पे पहुंचने वाला है। तो अभी हम लोग लोकलम बोल के एक गांव है उसी पर उतर गया, वहां से ही चलना होगा। उसके बाद कौन सा जगह जाएगा इसके बाद लोकलम के बाद में? चौप ना, चौप होके ही जाएगा हम दोनों म्यांमार की। तो मेरे साथ बोला हमें बैग बना रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। हाँ, अभी हम लोग चौप पहुँचने से पहले रास्ता में थक के रुक रहे, रेस्ट ले रहे। मेरे साथ बोला दोस्त हम दोनों ये कुछ खा लेगा अभी, ब्रेड ब्रेड पानी वानी। आप देख सकते हैं वो नीचे का रोड, हम दोनों वहाँ से होके आए ये ऊपर में, और अभी सनसेट है। आज ना व्यू भी खास नहीं है इसलिए क्लियर नहीं आ रहे। ये देख सकते हैं ये रोड, यहाँ से आए हम दोनों भी ऊपर सीधा। तो अभी हम दोनों ऊपर जाएगा, ऊपर चल चल के जाएगा, आज हम दोनों शायद चौप में होल करेगा, उसके बाद ही कल निकलेगा। आप देख लीजिए ये बैग को बना रहे, उसके बाद में हम दोनों को पैदल पैदल जाना पड़ेगा, नहीं बस नहीं गाड़ी, 2-3 घंटा से चलना पड़ेगा। आज तो हम लोग तो नहीं पहुँचेगा, अभी 4 बज गया, तो अभी हम लोग ये चौप में ही रुक पाएगा बस शायद, उसके बाद ही कल निकलेगा। आप देख लीजिए का वेदर इतना खास नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम है, पूरा बस्ती वाला वेब आ रही है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमको तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा लॉन्ग ट्रैवल करने वाला। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बनी रहिए। तो अभी हम लोग चौप विलेज पहुंच गया, तो चौप विलेज का शायद ये
स्कूल है क्या यहाँ में, तो जाके देखते हैं आगे। अभी शाम के वक्त है इसके लिए इतना क्लियर भी नहीं आ रहा है। स्कूल है ना ये, क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ में कुछ बैनर वैनर पोस्टर भी नहीं है, बस जूम करेगा। यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं कार बुक के ना, तो अभी हम दोनों यहाँ से उठना पड़ेगा ये सीढ़ी होके, यहाँ से उठेगा ये ऊपर में, तो आप देख सकते हैं हम दोनों यहाँ से उठना पड़ेगा इतना पहाड़ में ये सीढ़ी। अभी भी और चढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ वाला लड़का देखो पूरा बैग वैग बुक के लग रहे हैं। यहाँ से नीचे का व्यू कुछ इस तरह दिखते हैं। यहाँ में एक घर है और यहाँ में जवान लड़का लोग कार बुक रहे, बतम बुक रहे। ये पहाड़, हाँ पूरा पसीना आ गया रे। हाँ पूरा थक गया चल चल के ना, लेकिन उपाय नहीं, अपना मंजिल तो पहुंचना ही पड़ेगा। चला गया तो क्या करेगा ना। अभी थोड़ा सा प्लेन जगह मिला है, आज तो हम दोनों ये चौक में रुकना पड़ेगा। अभी शाम हो गया, अभी 5 बजने वाला है, इसके लिए यहीं रुकेगा। आज का वीडियो भी ये चौक में एंड करेगा और फिर कल का जर्नी कल स्टार्ट करेगा। ये जो है लोग का किसी का घर का बाहर है, लेकिन बहुत सुंदर है। हाँ ये हमें मेरा कुछ जान पहचान मिला। हाय कैसे आप, हम लोग ऐसे कहीं घूमने जा रहे हैं, हमें मेरा दोस्त मिल गया सुना। हाँ यहाँ से नीचे का नज़ारा किस इस तरह दिखते हैं। हाँ सो गाइस, तो अभी हम दोनों ये चौक विलेज पहुँच गया, तो अभी हम दोनों यहाँ होल करेगा, उसके बाद ही कल सुबह निकलना पड़ेगा। तो यहाँ में मेरा एक दोस्त मिला है जान पहचान, उसका घर है ये, अगर कुछ इस तरह है तो हम दोनों यहाँ होल करेगा। यहाँ में ना एक चीज़ अच्छा है, यहाँ में पानी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं पूरा पानी प्योर वाटर पूरा देर है। हमारा लॉन्गडिंग में पानी एक बूंद पीने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ में अवेलेबल है पहाड़ों में ना। तो अभी हम दोनों बात करके देखेगा अंदर में, बच्चा लोग खेलों को एक मिठाई देंगे ना। मैं उबीत है चाचा सान जो लोग को एक एक मिठाई दे देगा, हम पहले खड़ देते हैं सांजो। फिलहाल अंदर में तो अभी कोई भी नहीं है, अंदर में थोड़ा सा अंधेरा है, हमें लाइट वाइट ठीक नहीं है इसी के लिए। अब पूरा प्योर ट्रेडिशनल घर, घर के बाहर इस नज़ारा इस तरह है। अभी बाहर निकलेगा फिर। तो यह मैं एक दोस्त का रूम है, तो रूम को थोड़ा विजिट करेगा, हम दोनों यहाँ होल करेगा आज, यहाँ में सोएगा। ये है मेरा दोस्त, हाय कैसे हैं आप, ठीक है। आपसे मिलके बहुत खुश लगा है, और आपको भी थैंक यू सो मच। हाँ लॉक खोल दीजिए। ओके मैं फ़ोन का लॉक खोल के दे देता हूँ आपको। इसका रूम भी काफ़ी सुंदर है, पासवर्ड बताइए। यहाँ में इसका साउंड सिस्टम है, इसका रूम है, और यहाँ में मिरर है, हम खुद को देख सकते हैं जो कि। सो गाइस, तो आज के लिए व्लॉग इतना में ख़त्म करेगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।